एसी मी लेसन, राइट। तो इसको आप देखिए, ये इंटेस्टाइन है इसका। अब हम फटाफट इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देखिए, ये इस तरह से है, ये पूरा बॉडी, ठीक है। अब ये मेन कैनाल है इसका, इसका है मेन एक्सक्रीटरी कैनाल, और यहां पर एक्सक्रीटरी पोर है इसका, एक्सक्रीटरी पोर है, और इस यहां से ऐसे निकला एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल निकला, और यहां से ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, ठीक है। अब यहां से ऐसे ऐसे ढेर सारा निकलेगा, यहां से इधर भी निकलेगा, ठीक है जी, ऐसे निकलेगा। सब बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक बना के दिखाते हैं आप। यहां से ये जो निकला रेडियल कैनाल बोलते हैं इसको, और रेडियल कैनाल सिर्फ जुड़ा रहेगा फ्लेम सेल, वो कैसा होगा वो जरा देखिए, इस तरह से होगा, ये फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल। अब हम एक फ्लेम सेल का कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे ये फ्लेम की तरह दिखता है, और कैसे ये सोलेनोसाइट भी है, और कैसे स्क्रिप्टी मटेरियल इसके अंदर से पास आउट होता है। सो हम फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। फ्लेम सेल कैसा होगा, ये है, ये देखिए, ये फ्लेम सेल है, इसको सोलेनोसाइट भी बोलते हैं, यहां पर रेडियल कैनाल है ये, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसके अंदर में सीलिया होते हैं, ये जो देखेंगे यहां सीलिया है, ये सीलिया लगे होते हैं, और ये सीलिया अपीयरेंस देते हैं फ्लेम का, जैसे आप देखेंगे कि दीपक का जो लॉ होता है फ्लेम, उस तरह का ये अपीयरेंस देते हैं। और ये चूंकि सेल है, ये या क्या है, फ्लेम सेल बोल रहे हैं, फ्लेम सेल, या इसको सोलेनोसाइट भी बोलते हैं, फिगर में लिख सकते हैं फ्लेम सेल, या इसको प्रोटोनेफ्रिडिया सोलेनो सोलेनोसाइट, साइट का मतलब सेल, या प्रोटोनेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया, ये सब नाम नॉमेनक्लेचर है, जानना जरूरी है। तो देखिए कि ये तो हुआ ऐसे फ्लेम सेल, अब कहा कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये तो ये न्यूक्लियस रहेगा, दिस इज न्यूक्लियस। अब इसके अंदर में ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है, सपोज करिए एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल ऐसे इस कैनाल के थ्रू आएगा और ऐसे पास करेगा, एक्सक्रीटरी मैटर, और ये इसके थ्रू आएगा, है ना, इसमें रहेगा ये, और ऐसे इस तरह से पास करेगा। जैसे हम अगर हम रेड से दिखाएं इसको, तो शायद अच्छे से दिखेगा ये, दिस इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल ऐसे पास करेगा इसके थ्रू, ये इसके थ्रू, फिर यहां से ऐसे आएगा, सब जगह है ये भरा हुआ, पास करेगा, फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल यहां से यहां आ गया, यहां से, और फिर ये पास करके, अब देखिए कि इस तरह से यहां आया, फिर यहां, और ये पास अप हो जाएगा। सो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो बॉडी से इस तरह से बाहर जाएगा, राइट। फटाफट नोट करिए, इसके बाद में फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल को डिस्कस करें उसकी जरूरी है कि हम उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करें। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चूंकि ये हर्माफ्रोडाइट है तो इसको जानना जरूरी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह चूंकि ये हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि मेल मेल एंड फीमेल, सेक्स
ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, एक ही बॉडी में है। और इंटरेस्टिंग बात बता दें आपको, यहां यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, ऑटोगैमी भी है यहां पे। तो हम पहले मेल बॉडी को देखते हैं और इस साइड में फीमेल बॉडी को देखेंगे। ये देखिए, ये हमने बनाया राइट, देखिए फटाफट ये हम गोनोपोर बना लेते हैं इसका, ये दिस इज द गोनोपोर। अब यहां से ये नीचे आएगा थोड़ा, आया इस तरह से। अब यहां इसका मेल मेल जेनाइटल एपर्चर हो गया, मेल जेनाइटल एपर्चर। उसके बाद में यहां पे इसको साइरस बोलते हैं, ये है साइरस, साइरस जो कि पेनिस का काम करता है, पेनिस है ये इसका। और उसके बाद में यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, इजैकुलेटरी डक्ट इसको बोल सकते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। और यहां पे इजैकुलेटरी डक्ट से पहले ये रहेगा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये नॉरिशमेंट का काम करता है, प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन टू स्पर्म। फिर इसके आगे चलेंगे तो यहां थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे थोड़ा सा फैला हुआ आपको मिलेगा, ये सेमिनल वेसाइकिल है इसका, दिस इज सेमिनल वेसाइकिल। और सेमिनल वेसाइकिल से आगे इस तरह से दो टेस्टिस इसका मिलेगा। सो सेमिनल वेसाइकिल है, ये वासा डिफरेंस भी होगा यहां पे, वासा डिफरेंस, और ये टेस्टिस है इसका, थोड़ा हम अलग से बनाते हैं इसको, हाँ ये है इसका टेस्टिस, ये पेयर ऑफ टेस्टिस है, ये दो टेस्टिस है इसके पास। अब देखिए टेस्टिस आपने देखा यहां, टेस्टिस में टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बना, ये सपोज करिए स्पर्म बना, ये स्पर्म है ये राइट, ये स्पर्म है। अब ये स्पर्म का रास्ता देखिए, यहां से चला ऐसे, फिर इसको क्रॉस करते हुए क्रॉस करते हुए इस तरह से स्पर्म यहां आ गया, दिस इज स्पर्म ठीक है। अब हम फीमेल बॉडी को बनाते हैं साइड में, ये आपको समझना पड़ेगा कि हर्माफ्रोडाइट है तो इसमें लाइफ साइकिल कैसे चलता है राइट। तो इसको मैं मिटा दूं फटाफट। अब इधर देखिए फीमेल का बॉडी शायद इसमें इतना नहीं बन पाएगा, लेकिन चलिए देखते हैं। यहां पर ये गोनोपोर है इसका, छोटा मैं बना रहा हूं, ये देखिए ये इसका ओवरी है और ये यूट्रस है इसका, दिस इज यूट्रस, ये यूट्रस है, थोड़ा बड़ा ऐसे करके पता चलेगा, ये दिस इज द यूट्रस, ये इस यूट्रस है इसका यूट्रस। अब यहां पे ये जो है इसका ओवरी है ठीक है जी, ओवरी है, यहां पे कैनाल इसमें एंट्री करता है जिसको बोलते हैं लॉरस कैनाल, दिस इज द लॉरस कैनाल या एस्ट्रीडियल कैनाल्स, एस्ट्रीडियल कैनाल या इसको बोलते हैं लॉरस कैनाल, ये टर्म याद करेंगे। अब यहां पे ये जो स्पर्म है, यही स्पर्म आगे
क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है, सेम बॉडी है, तो यहां से ये स्पर्म यहां आया, राइट, इसमें एंट्री किया, आगे तक गया, यहां यहां पे आपको बताएं हम कि यहां पे इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर में इस तरह से देखिए, इस बॉडी का जैसे पार्ट है, यहां पर दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक मेहलिस ग्लैंड और एक व्हाइट लाइन ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट होगा। मेहलिस ग्लैंड हम यहां इंडिकेट कर देते हैं, यहां पे ये है मेहलिस ग्लैंड, राइट, मेहलिस ग्लैंड है ये, और यहां पर थोड़ा सा ये रहता है योक सैक, ठीक है, जो रिजर्व फूड बनाते हैं देते हैं। यहां पर ये है कुछ व्हाइट लाइन ग्लैंड और यहां पे, तो व्हाइट लाइन ग्लैंड जो है वो क्या काम करते हैं, जब जाइगोट बनेगा यहां तो जाइगोट के चारों तरफ जो शेल बनता है उसको बनाने में हेल्प करेगा व्हाइट लाइन ग्लैंड। हम जरा से इंडिकेट कर देते हैं, ये व्हाइट लाइन ग्लैंड से हमारे, ये व्हाइट लाइन ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइन ग्लैंड, और यहां से स्पर्मा मेहलिस ग्लैंड, मेहलिस ग्लैंड भी है यहां पर, सब जगह रहेगा, फिगर बना ली, फटाफट बनाइए फिर आगे हम बात करते हैं। और ठीक है, ये मेहलिस ग्लैंड है, ये मैंने बताया आपको, दिस इज द मेहलिस, मेहलिस ग्लैंड। तो टर्मिनोलॉजी ध्यान देंगे कि फेस्योला हेपेटिका के अंदर में व्हाइट लाइन ग्लैंड यहां पे है, मेहलिस ग्लैंड यहां पे है, लॉरेंस कैनाल यहां पे है, ठीक है जी। अब देखिए कि स्पर्म यहां से आया, ओवरी है, ओवम यहां से आया, यहां से अब ये ओवम और स्पर्म मिलकर के ये जाइगोट बना दिया, हम यहीं पर इंडिकेट कर देते हैं, ये स्पर्म और ये, मतलब ये स्पर्म और ये ओवम, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ इसका, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट नीचे आया, यहां पे चूंकि ये है आपका क्या बोलते हैं कि ये है योक सैक है, तो योक सैक पे बहुत सारा रिजर्व मटेरियल फूड यहां पर मिलेगा, तो ये जाइगोट यहां आएगा। अब इसके पास कुछ यहां पर व्हाइट लाइन ग्लैंड है, फिर इसके पास यहां पर क्या होगा कि ये जाइगोट होगा, और ये जाइगोट के चारों तरफ में एक सेल बनेगा, और ये कुछ रिजर्व मटेरियल को बना रहेगा, इसके बाद में ये बॉडी से बाहर सॉयल के अंदर में आ जाएगा, राइट। सो हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम चलते हैं, देखिए एक बार फिर मैं आपको थ्रस्ट बता दे कि ये मेल का बॉडी है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ध्यान रखेंगे, फिगर नीचे लिखेंगे, ठीक है जी। ये हर्माफ्रोडाइट है, तो यहां से स्पर्म बना और लॉरस कैनाल में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिसीव किया, रिसीव करने के बाद यहां पे जाइगोट बना, जाइगोट के कवरिंग हुई, सेल बना। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या कहानी है, क्या लाइफ साइकिल इसका चलता है, ठीक है जी। चलिए लगता है वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है क्या, अब हम इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं, बस लाइफ साइकिल को देख करके हो सकता है कि हम इसको कंप्लीट अभी कर देंगे। तो लाइफ साइकिल देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ फेस्योला हिपैटिका, फेस्योला हिपैटिका का लाइफ साइकिल देखिए, जैसे हम एक बार फिर से चलते हैं, ये स्पर्म है जी, ये ओवम है,
ये बन गया हमारा जाइगोट, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट के ऊपर में कवरिंग चढ़ गई, तो ये जाइगोट है, ठीक है जी। और ये इसका शेल हो गया, इसका शेल हो गया। शेल कैसे बना, सो लिखते हैं फॉर्म्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म्ड बाय सेल, जो जाइगोट के ऊपर बना उसको बनाने में किसकी भूमिका है, प्लीज बताइए। ये है व्हाइट लाइन ग्लैंड, फॉर्म्ड बाय व्हाइट लाइन ग्लैंड, ये फीमेल वाले पार्ट में बन रहा था और ये सेल बनाया। दूसरा, इसके डेवलपमेंट के लिए, नॉरिशमेंट के लिए यहां पे आपको कुछ रिजर्व फूड है, दिस इज द रिजर्व फूड। ये क्या है? रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड का मतलब योक सैक है, योक सैक है, ठीक है जी। अब आपसे हम बताएं कि ये जो जाइगोट बना, इसको शेल्ड जाइगोट बोलते हैं, सेल्ड जाइगोट बोलते हैं, सेल्ड जाइगोट को हम एक भी बोल सकते हैं। ये सेल्ड जाइगोट फैसुला हेपेटिका का, ये जो कहानी, ये तो पूरा प्रक्रिया चल रहा था, इसका प्राइमरी होस्ट शिप है, प्राइमरी होस्ट इसका शिप है। तो शिप के ये इंटेस्टाइन में काम चल रहा था। अब शिप ने, शिप का इंटेस्टाइन के बाहर ये फीकल मैटर के द्वारा बाहर आया, तो बाहर जब आएगा तब क्या बातें हैं, सो जरा देखिए। प्राइमरी होस्ट इसका, पहले हम बताते हैं आपको कि ये जो है फैसियोला हेपेटिका डाइजेनेटिक है। फैसियोला हेपेटिका डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब टू होस्ट में कंप्लीट होगा, टू होस्ट होगा। और टू होस्ट कौन कौन है? प्राइमरी होस्ट इसका, प्राइमरी होस्ट जिसमें कि ये जाइगोट बना था, वो है आपका शिप, शिप है, ठीक है जी। और सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल है। क्या है? स्नेल, एक मोलस्का है, एक मोलस्का है स्नेल, ठीक है जी। तो होता क्या है, सो जरा देखिए। तो यहां पर आपको प्राइमरी होस्ट हम लेते हैं, यहां पे प्राइमरी होस्ट को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, 1 डिग्री होस्ट, सेकेंडरी होस्ट को 2 डिग्री, राइट। तो यहां पर प्राइमरी होस्ट हमारा कौन है? प्राइमरी होस्ट हमारा है शिप, ये शिप है जी। अब शिप के इंटेस्टाइन से फिकल मैटर के द्वारा यह सेल्ड जाइगोट सोयल में आ गया, सो जरा देखिए। थ्रू फिकल मैटर या फिशेस शेल्ड जाइगोट दैट इज एग, हम बोलेंगे इसको, कम्स ऑन सॉइल, मिट्टी के ऊपर में आ गया, ठीक है जी। अब मिट्टी में आ गया तो क्या हुआ, ये मानिए कि हमारा ये जाइगोट है, दिस इज जाइगोट। अब जाइगोट का मिट्टी के अंदर में डेवलपमेंट चालू हुआ, मतलब डेवलपमेंट इसका एक्सटर्नल है। तो जो पहला लार्वा हुआ, इसमें 5 लार्वा होंगे इसके अंदर में, इसके लाइफ साइकिल में 5 लार्वा है। पहला लार्वा होगा मीरासीडियम लार्वा, तो यहां से देखिए, ये है पहला लार्वा जो थोड़ा सिलिएटेड भी होगा, ऐसा ये हम ऐसे बना रहे हैं, मीरासीडियम लार्वा, ठीक है जी। पहला लार्वा कौन होगा? मीरासीडियम लार्वा। और मीरासीडियम लार्वा अब इंटर करेगा स्नेल के बॉडी में, तो हम स्नेल का एक छोटा सा ऐसे आपको मतलब सिंबॉलिक दिखाने के लिए
बस ऐसे हम सिंबल दिखाने के लिए आपको बताया कि ये स्नेल है, दिस इज स्नेल, स्नेल सही है। अब मीरासीडियम लार्वा के में मीरासीडियम लार्वा इंटर करेगा इसके अंदर में, किसके अंदर में, तो यहां चेंज होगा स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, और स्पोरोसिस्ट लार्वा से बनेगा रेडिया लार्वा। क्या नाम है? रेडिया, रेडिया लार्वा हो गई, ठीक है जी, रेडिया लार्वा, ठीक है। अब रेडिया से सर्केरिया बनेगा और मेटा सर्केरिया बनेगा, जरा इसको जरा बारीकी समझेंगे। मीरासीडियम यहां पर हो गया, मीरासीडियम लार्वा नंबर वन का लार्वा हो गया, एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर। अब सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो रेडिया लार्वा है इस, यह अगर विंटर का टाइम है, अगर यह विंटर का टाइम है जी, जाड़े का दिन है, तब तो रेडिया से सर्केरिया में कन्वर्शन हो जाएगा, सर्केरिया, सर्केरिया में कन्वर्शन हो गया, और फिर यह जब बाहर आएगा तो इसके बॉडी के ऊपर में एक फिर से वॉल लेयर बनेगा, सिस्ट बनेगा, मतलब इंसिस्टमेंट होगा, इंसिस्टमेंट, राइट। और इंसिस्टमेंट जब हो जाएगा सर्केरिया के ऊपर तो उसी को बोलेंगे मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। अब देखिए मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया जो वाटर के जो वीट्स होते हैं, घास पतवार जो होते हैं, घास पात, उसमें ये मेटा सर्केरिया चिपक जाएगा। एक बार समझिए, मेटा सर्केरिया जो लार्वा है वह पानी में पाए जाने वाले जो वीट्स है, वाटर वीट्स में अटैच हो जाएंगे, और फिर उस वाटर वीट्स को ये शीप खाएंगे, उनके इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। तो यहां पर मैं यहीं पर लिख देता हूं, अटैच्ड विथ वाटर वीट्स, वीट्स, ठीक है जी, और ये ईटन बाय शिप। तो आप इसको, इस साइकिल को लिख लीजिए फटाफट, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ क्रस्टेशिया हेपेटिका। इसमें जो लार्वा है, हम सारे लार्वा को एक जगह लिख देते हैं याद करने के लिए, लार्वा नंबर वन मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया, रेडिया सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, ठीक है जी, मेटा सर्केरिया चार याद करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये कि इन्फेक्टिव स्टेज प्राइमरी होस्ट के लिए कौन है और सेकेंडरी होस्ट के लिए कौन है। ध्यान देंगे, ये सेकेंडरी होस्ट है, ये स्नेल सेकेंडरी होस्ट है, तो सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट कौन कर रहा है, मीरासीडियम, और प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट कौन कर रहा है, मेटा सर्केरिया। सो ये दोनों पॉइंट को हम लिखेंगे यहां पे नोट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज, ऐसे इन्फेक्टिव स्टेज लिख दिया। यहां पर दो पॉइंट लिखेंगे, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है मेटा सर्केरिया, तो यहां पर लिख देंगे मेटा सर्केरिया, और सेकेंडरी होस्ट के लिए लिख देंगे सेकेंडरी होस्ट
के लिए लिखेंगे मीरा सीडियम लार्वा, मीरा सीडियम लार्वा। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका जो नेक्स्ट जो सेस्टोडा है इसको हम अलग से डिस्कस करना चाहेंगे, अगर ये लंबा हो रहा है तो, नहीं तो मुश्किल से 5 मिनट्स का और टाइम लगेगा, हम इसको डिस्कस कर देते हैं। राइट, एक मिनट, चलिए हम सिस्टोडा को फटाफट कर ही लेते हैं। ठीक है जी, तो पूरा हो जाएगा ये क्लास 3 है हमारा सेस्टोडा। सेस्टोडा जो है वो टीनिया सोडियम स्कैम्पल है, टीनिया सोलियम इसको बोलते हैं, टीनिया सोलियम को पॉर्क वर्म, टीनिया सेजिनाटा को बोलते हैं बीफ वर्म। ठीक है जी, बीफ वर्म बोलते हैं। इकाइनोकोकस एक है, इकाइनोकोकस इसको डॉग वर्म बोलते हैं, डॉग वर्म। राइट, हिम्नोलेपिस, हिमने लेपिस ये ड्वार्फ वर्म ऑफ मैन इसको बोलते हैं। मैं आपको बता दूं इसका टीनिया सोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर इसके लाइफ साइकिल देखेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर जो है इसका, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बॉडी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन है, पेन एक मिनट जरा पेन ले लो, अब मेरे पास तो था ही यहां, एक मिनट, हाँ है, अच्छा एक्सक्यूज मी, ठीक है जी। तो 3 पार्ट्स कौन कौन है, थ्री पार्ट्स इसका है, पहला है इसका एस्कॉलेक्स, एस्कॉलेक्स ये अच्छा चल रहा है, दूसरा वाला पार्ट है इसका नेक, और तीसरा वाला पार्ट है इसका ग्रेविड, ग्रेविड वाला पार्ट है। ठीक है जी, एस्कॉलेक्स के अंदर में 3 पार्ट है, तीनों को लिख लेते हैं। सबसे पहले है स्कॉलेस के अंदर में सक्कर्स है, माउथ है, रोस्टेलम है, हुक है, रोस्टेलम हुक है और सक्कर्स है, सक्कर्स है। ये तीनों ही आपको बता दें कि इसका काम सिर्फ बॉडी को अटैचमेंट करना है, इसका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ अटैचमेंट के लिए है, अटैचमेंट के लिए है। नेक वाले रीजन को हम डिटेल करेंगे। ग्रेविड जो है ये भी 3 पार्ट में बटे होते हैं, इमैच्योर, इमैच्योर वाला पार्ट है ये। ठीक है जी, इमैच्योर जो है वो 100 सेगमेंट से 200 सेगमेंट तक रहता है। ठीक है, मैच्योर वाला पोर्शन 200 से 300 सेगमेंट तक रहता है, और लास्ट जो है वो है इसका, सॉरी यहां पर स्ट्रोबिला बोलते हैं, स्ट्रोबिला, और यहां है ग्रेविड। ग्रेविड और कुछ नहीं है, इसका यूट्रस है, ये 300 के ऊपर वाला जितना पोर्शन है वो है, तो यूट्रस का पार्ट है ये। हम इसको फटाफट इसको देख लेते हैं कि कैसे काम करता है ये।
एक मिनट, ठीक है जी, तीनों को हम देखते हैं, एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये रॉस्टेलम है जी, ये रॉस्टेलम है, रॉस्टेलम है, ठीक है जी। इसमें ये इसका हुक है और ये इसकी सक्कर्स है, ये इसके सक्कर्स है, ठीक है, ये सक्कर्स है। तो ये हुक हो गया और ये सक्कर्स हो गए, और इसके बाद ये इसका नेक वाला पोर्शन हो गया, दिस इज द नेक रीजन, और फिर यहां से ये इसका ये पोर्शन नेक का है, ये इसका पहला पोर्शन है, हेड का बोलते हैं इसको, या एस्कॉलेक्स बोलेंगे, एस्कॉलेक्स नेक। और यहां से अब ये इमैच्योर रीजन है, ये क्या है, ये इमैच्योर रीजन है, इमैच्योर, और यहां से फिर मैच्योर होते हुए, और फिर यहां से ये ग्रेविट का रीजन ये हो गया, ये मैच्योर रीजन हो गया, ठीक है जी, ये मैच्योर है। अब ये है आपका लास्ट पोर्शन, इसको स्ट्रोबिला बोलते हैं, स्ट्रोबिला, और स्ट्रोबिला बनने के प्रोसेस को स्ट्रोबिलेशन बोलते हैं, स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है जी। हम देखते हैं इसमें कि कैसे इसका लाइफ साइकिल चलता है। तो ये आपको बता दें कि ये यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंटेड बॉडी है, ये बहुत सारा ये सेगमेंटेड बॉडी है, जैसा हमने कहा कि ये टीना सोडियम का स्ट्रक्चर है। इसमें जहां मैच्योर बॉडी है, इसमें मान लीजिए कि एक स्पर्म यहां है और एक ओवम यहां है, यहां एक ओवम है, एक यहां स्पर्म है, तो ये इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा या ये इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, कोई भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर में ये ट्रांसफर जो होगा स्पर्म ओवम का, फिर इसके बाद में जाइगोट बनेंगे। तो सपोज करिए कि हम इसको यहां से लेके चले, ये यहां आ गया, अब यहां पे ये स्पर्म यहां बॉडी हो गया, क्या यहां से बन गया जाइगोट, दिस इज जाइगोट, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट ट्रांसफर होते हुए आएगा आपके इसमें ग्रेविट में आएगा, ग्रेविट का पार्ट जरा देखिए ऐसे रहता है, ब्रांच्ड रहता है, थोड़ा सा ग्रेविट को मैं अलग से ही बना देता हूं तो ठीक रहेगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा ग्रेविट वाले पोर्शन में, एक ग्रेविट है। अब ग्रेविट का हमें एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, इसको फटाफट लिखिए, ठीक है जी, ओके। ये देखिए, ये हमने बनाया स्ट्रक्चर किसका, ये बनाया ग्रेविट, ग्रेविट एक्चुअल में यह ब्रांच्ड यूट्रस है, ब्रांच यूट्रस। अब इसमें बहुत सारे ये जाइगोट हैं, ये बहुत सारे जाइगोट हैं, ठीक है जी, बहुत सारे जाइगोट हैं। तो ये यहां हो गया, अब ये मैच्योर के होने के बाद ये फिर सॉयल में आ जाएगा, मिट्टी में आ गया फिकल मैटर के द्वारा, फिकल मैटर के थ्रू ये मिट्टी में आ गया। अब फिर यहां भी ये होगा जाइगोट के ऊपर में। अब ये हम देखते हैं इसके लाइफ साइकिल को, ठीक है जी। तो लाइफ साइकिल को जरा देख लो फटाफट, एक मिनट लगेगा मुझे इसको देखने में, मेरी इंग्लिश नहीं है। चलिए हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोडियम, टीनिया सोडियम।
आपको बता दें कि टिनिया सोलियम भी डाई जेनेटिक है, मतलब डाई जेनेटिक है, मतलब कि यहां भी टू हॉस्ट की जरूरत है, और टू हॉस्ट में प्राइमरी हॉस्ट जो है इसका मैन है और सेकेंडरी हॉस्ट इसका पिग है। इसमें देखते हैं कैसे होता है। यहां से मिट्टी में आ चुका, अब देखिए लाइफ साइकिल इसका। इसमें प्राइमरी हॉस्ट मैन है जी, और मैन के इंटेस्टाइन में ही था, तो यहां से फिर फिकल मैटर के द्वारा बाहर आया। अब ये जाइगोट आ चुका है, यदि सीधी जाइगोट, ठीक है जी, जाइगोट यहां आया, ये मिट्टी के अंदर में है ऑन सॉइल। अब यहां से ये पहला स्टेप जो डेवलप करता है, जो फर्स्ट लार्वा है इसका, ऑंकोस्फेयर लार्वा, ऑंकोस्फेयर लार्वा मतलब दिस इज द फर्स्ट लार्वा, ऑंकोस्फेयर लार्वा है ये लार्वल स्टेज इसका लार्वा। अब ये एक स्टेज आता है जब ये देखिए ये फिकल मैटर है, तो फिकल मैटर को पिग ने खा लिया, अब पिग के ये बॉडी में चला गया, ये पिग का बॉडी है, देखिए इंटेस्टाइन है ये, तो जैसे इंटर किया पिग के बॉडी में, यहां पिग लिखते हैं, यहां पर उन्होंने एक स्टेज बनाया जिसको बोलते हैं हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि छह स्पाइन टाइप का यहां पर सिक्स स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ राइट। अब हेक्साकैंथ का सिस्टिसेरस में बदलता है कैसे से देखिए, ये अभी कहां है, ये गट के अंदर में है, अभी खाया तो गट के अंदर में है, अब ये गट से वाया ब्लड ये चला गया मसल्स के अंदर में, ये मसल्स है, ये हम मान के चलते हैं अभी एक स्मूथ मसल्स है, ये मसल्स है, इसमें यह सिस्टिसेरस के रूप में कन्वर्जन होता है, ये एक एक लार्वल स्टेज है, बात करते हैं इसको, इसको बोलते हैं सिस्टिसेरस लार्वा, सिस्टिसेरस। अब ये सिस्टिसेरस लार्वा हो गया, ठीक है, तो देखिए दो लार्वा हुआ, एक ऑंकोस्फेयर लार्वा, दूसरा सिस्टिसेरस लार्वा। अब जिस पिग के अंदर, जिस पिग के मसल्स में ये मांस है, दिस इज उसको बोलते हैं, ये अब ये सिस्टिसेरस लार्वा का जो गया, ये गया है ये मसल्स में गया है, ये मसल्स के अंदर में है, ये दिस इज द मसल्स। अब आदमी क्या कर रहा है कि जो लोग मतलब जिस पिग के मसल्स में सिस्टिसेरस लार्वा प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मिजली पॉर्क, मिजली पॉर्क बोलेंगे। अब इस मिजली पॉर्क को जिन लोगों ने खाया उसके पास चला इटेन बाय मैन, ठीक है जी। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। तो इसमें अगर हम बात करें कि इंफेक्टिव स्टेज सेकेंडरी हॉस्ट के लिए कौन है, तो ये है ऑंकोस्फेयर इंफेक्टिव स्टेज, हम यहीं पे लिख देते हैं इंफेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी हॉस्ट, ठीक है जी, और ये इसको इन्फेक्ट कर रहा है तो इसको लिखेंगे इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी हॉस्ट। ये ध्यान देंगे प्राइमरी हॉस्ट को इन्फेक्ट करने वाला ये जो है सिस्टिसेरस लार्वा है, ये सिस्टिसेरस लार्वा यहां पे है, ये दिस वन, ये सिस्टिसेरस लार्वा, और यही मसल्स के द्वारा आदमी गया। सो ये लाइफ साइकिल है आपके टिनिया सोलियम का, और इससे बीमारी होती है टिनियासिस, आप जानते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटिहेलमिंथीस, जिसमें कि हमने तीनों क्लास के बारे में डिटेल से चर्चा किया, प्लेनेरिया,
मतलब जो जो टर्बुलेरिया था, प्लेनेरिया को लेकर अभी डिस्कस किया। दूसरा जो ट्रीमेटोडा था उसमें हमने फैसियोला हिपेटिका के बारे में डिस्कस किया। तीसरा जो हमारा ट्रीनियासोरियम जो कि सिस्टोडा का क्लास का एक मेंबर था, उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके प्लेटी हेलमेंथिस के आगे का जो क्लास है स्केल हेलमेंथिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। यहीं, थैंक यू वेरी मच।